श्री राधे श्री राधे श्री राधे, भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। मित्रों, आज हम मेष लग्न की कुंडली में सभी ग्रहों का क्या प्रभाव है, मेष लग्न का क्या प्रभाव है, इसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। मेष लग्न काल पुरुष के जो है प्रथम लग्न है, जिसे हम सिर कहते हैं। स्वाभाविक है कि यह मंगल की राशि होने से तेज तर्रार वृत्ति होता है, जिद्दी होता है, क्रोधी होता है, रजोगुणी होता है, स्वाभिमानी होता है। उच्च शिखर में बैठी हुई राशि है, नंबर एक की राशि है। और यदि इसमें जो है दशम भाव में गुरु हो, यद्यपि कहा गया कि दशमस्थ गुरु जो है बहुत अच्छा होता है केंद्र का, लेकिन यह दशम में होकर के जो है नीच का हो जाएगा और मारक हो जाएगा। राजयोग के साथ में मारकत्व भी जो है इसमें आ जाएगा। इसी तरह से मेष लग्न वाले जातक के जो है शरीर में रक्त दोष भी पाया जाता है, जिसकी वजह से फोड़ा, फुंसी, चोट, चपेट आदि के घाव होते हैं। इनसे आघात पहुंचती है, चेचक आदि के जो है तो दाग हो जाते हैं, क्योंकि जो है मंगल जो है तो रक्त का स्वामी है और वही लग्ने से, इसलिए रक्त से संबंधित कोई न कोई विकार जो है ये अवश्य उत्पन्न करता है। मंगल षष्ठेश के साथ में जो है यह लग्नेश भी, मंगल अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है। और यदि यह षष्ठेश के साथ में बैठ जाए और मंगल की दशा हो, उसके अंतरदशा हो, तो ये निश्चित है कि उसके सिर में जो है चोट चपेट आदि लगेगी, रक्तचाप जो है बढ़ जाएगा, सिर के और भी कोई रोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से मानसिक पीड़ा जो है तो भोगनी पड़ेगी। मेष लग्न की कुंडली में यदि शुक्र जो है 12वें घर में बैठ जाए, तो साधारणता जो है द्वितीय वैभाव में जो है बैठ करके धन की हानि करेगा, धन का व्यय करेगा। भाई कोषाध्यक्ष है, तो कोषाध्यक्ष जो अगर धन में बैठेगा तो धन जो है व्यय करेगा, तो संचय का अभाव हो जाएगा। मंगल शुक्र यदि एक साथ में बैठते हैं तो यह एक अच्छा योग भी है और खराब भी है, क्योंकि धनेश और लग्नेश का योग है, तो धन की स्थिति से, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा योग है, किंतु जो है एक साथ में बैठने से यह सप्तमेश भी हो जाएगा और अष्टमेश भी हो जाएगा। मंगल शुक्र सप्तमेश हो गया, मंगल अष्टमेश हो गया, इसलिए जो है ये मारक भी हो जाएंगे। गुरु एवं शुक्र साथ में हो द्वितीय भाव में, तो यह बहुत सुंदर धन का योग बनाएंगे, उत्तम योग है। गुरु एवं शुक्र जो है मंगल के साथ में कहीं भी बैठे तो वह योगप्रद होंगे, अर्थात जो है कारक होंगे। मंगल और गुरु एक साथ में यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, तो निश्चय ही जो है वह उत्तम भूमि, वाहन, भवन, मकान आदि का जो है सुख प्रदान करेंगे। मंगल 5वें भाव में हो और मंगल की दशा हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का जो है राजकीय अभ्युत्थान होगा, राज्य से संबंधित कार्यों में तथा राजनीति में अच्छी सफलता उसे प्राप्त होगी। गुरु एकादश भाव में हो और गुरु की दशा हो जाए, तो विशेष रूप से उस व्यक्ति की जो है उन्नति नहीं होगी, बल्कि जो है हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की अवनति होगी। जबकि ये कहा गया कि एकादश में सभी ग्रह जो है तो शुभ फल देते हैं, तो साधारणतः सौम्य रूप सामान्य रूप से जो है उन्नति तो होगी, लेकिन विशेष कोई जो है उन्नति संभावित नहीं है। मंगल और बुध दोनों जो है यदि 6ठे घर में बैठ जाए, तो निश्चित है कि वह जातक जो है फोड़ा, फुंसी, रक्त विकार आदि दोष से जो है परेशान रहेगा, क्योंकि जो है
बुध सष्टम में बैठेगा तो क्या होगा, उच्च का हो जाएगा भाई, कन्या का तो बैठेगा है ना, और लग्नेश के साथ में बैठेगा। तो लग्नेश के साथ में बैठ करके अपना जो है दुष्प्रभाव लग्नेश के ऊपर ही छोड़ेगा, लग्न में छोड़ेगा। इसलिए जो है यह सब चोट चपेट तथा रक्त विकार आदि जो है संभावित है। मंगल एवं शुक्र जो है साथ में भाव में बैठे तो व्यक्ति जो है बाहुबली होगा, अर्थात जो है अपने ही भाग्य से अपने भाग्य का जो है विकास करेगा, अपना ही अपना उत्कर्ष स्वयं करेगा बिना किसी के सहयोग के। किंतु पारिश्रमिक ही उसे प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा जो है वह उन्नति नहीं कर पाएगा। शुक्र अष्टम में हो तो वीर संबंधी प्रमेह संबंधी बीमारियां पैदा कर देगा तथा स्त्री सुख में जो है बाधाएं उत्पन्न करेगा। सूर्य मंगल और शुक्र ये तीनों यदि अष्टम में हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई कुछ मात्रा में जो है धन का सुख तो जो है ये प्रदान करेंगे, किंतु साथ में जो है गुप्त रोग भी देंगे। भगंदर आदि, बवासीर आदि, गुदा से संबंधित रोग, नेत्र विकार आदि, ऐसे जो है तो रोगों की संभावना जो है बढ़ जाएगी, जिससे जो है कष्ट प्राप्त होगा। सूर्य मंगल गुरु व शुक्र चारों जो है यदि नवम में बैठ जाए और शनि सप्तम में हो तो यह योग जो है राजयोग प्रदान करेगा, बहुत सुंदर योग होगा, धन धान्य की जो है प्राप्ति कराएगा। सूर्य व शुक्र लग्न में हो उन पर जो है गुरु की दृष्टि ना हो तो यह योगप्रद होगा, अर्थात कारक होगा। सूर्य बुध व शुक्र तीनों लाभ भाव में हो और इनमें से किसी एक की दशा हो तो यह व्यक्ति जो है आगे ही बढ़ेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। लग्न में सूर्य हो और चतुर्थ भाव में जो है चंद्रमा हो तब भी यह योग जो है निश्चित राजयोग प्रदान करेगा, राज्य सुख प्रदान करेगा, धन धान ऐश्वर्य आदि का जो है सुंदर सुख प्रदान करेगा। शुक्र गुरु और सूर्य यदि दशम में हो तो यह पूर्ण नदियों का जो है सेवन करता है व्यक्ति, गंगा आदि नदियों में जो है स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उनका आनंद लेता है। गुरु वैभव में हो तो पैतृक संपत्ति की जो है हानि उठानी पड़ती है वृत्ति को, अर्थात पैतृक संपत्ति के सुख प्राप्ति में बाधाएं बनी रहती हैं और यह अपने पूर्वार्ध में, अगर गुरु की दशा भी चल रही हो तो अपने दशा के पूर्वार्ध में तथा उत्तरार्ध में जो है उस वृत्ति को जो है मितव्ययी बना देता है, कम खर्च करता है, अपनी परिस्थिति को देख करके खर्च करता है। हाँ, परोपकारी कार्यों में, धर्म कार्यों में निश्चित जो है तो वह खर्च करेगा। और यदि हम ये मान लें कि मेष लग्न का जातक अगर जो है तो शुक्ल पक्ष में जन्म लेता है तब तो जो है मंगल व शनि सत्फल जो है देते हैं, निश्चित जो है अच्छा फल देते हैं, लेकिन उस स्थिति में चंद्र और शुक्र का जो है अच्छा फल नहीं होता है। इसलिए जो है मेष लग्न वालों को जो है अच्छी तरह से विचार करके अपने भाग्य का निर्णय करना चाहिए। हाँ, लग्न में यदि शनि बैठ जाए तो धन धान्य का जो है बहुत सुंदर जो है सुख प्रदान करेगा, ऐश्वर्य आदि प्रदान करेगा। सूर्य लग्न में हो जाए, गुरु नवम में हो जाए, मंगल दशम में हो जाए, एकादश में शनि हो जाए तो बहुत प्रबल राजयोग जो है ये बनेगा और निश्चित जो है वह व्यक्ति धन धान्य आदि से जो है तो सुख प्राप्त करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, इसी तरह के जो है और भी वीडियो हम प्राय जो है द्वादश लग्नों के ऊपर, द्वादश लग्नों की ग्रह स्थिति के ऊपर जो है तो डालेंगे, और यह सब आपको प्राप्त हों उसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे जो है वीडियो को, हमारे चैनल को, हनुमत ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, तभी जो है इसका पूर्ण सुख आपको जो है पूर्ण
लाभ जो है प्राप्त हो सकेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।